हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट फोर्थ का आपका जो एमसीक्यूज है उसका वीडियो सॉल्यूशन। इसका पीडीएफ मैंने कल टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिया था। आई होप आप सब ने ये अटेम्प्ट किया होगा क्योंकि आप लोग काफी ज्यादा डिमांड करते हैं एमसीक्यू वीडियोज, तो आई होप आप टाइमली बाद में वो अटेम्प्ट भी करते हैं। ठीक है, जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं पहले मैं उनके लिए बता दूं, इस पे मैं लेके आती हूँ आपके JKSSB के स्पेशलाइजेशन वाले कोर्सेज, सुपरवाइजर एग्जाम के। स्पेशलाइजेशन हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मैराथन कम रिवीजन सीरीज प्लस हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है करंटली। इस पे हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है, GK विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK वाले पोर्शन का जो है, एंड देन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कंप्लीट हो गया है करंटली। अब कंप्यूटर्स है, बस वो रहता है। ठीक, अगर आप ये सारी चीजें मिस नहीं करना चाहते हैं आने वाले एग्जाम्स को लेके, जो GS वगैरह का जितना भी कंटेंट है वो आपको इस पे मिलेगा, चाहे वो NT का एग्जाम हो या JK PSC का एग्जाम हो। और अगर आप JK PSC या UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आपका सोशोलॉजी ऑप्शनल है तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि इस पे मैं नितिन सांगवान एसेंशियल सोशोलॉजी की समरी भी, उसके वीडियोज भी बनाती हूँ। उसमें हमारा पेपर 1 कम्प्लीट हो गया है एंड करंटली पेपर 2 जो है वो कम्प्लीट होने वाला है, ऑलमोस्ट 80-90% वो भी हमारा फिनिश हो गया है। अगर भी सारी चीजें मिस नहीं करना चाहते हैं और भी काफी इंपॉर्टेंट मटेरियल, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मुझे कमेंट से बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड जितना हो सके मैं आपको रिप्लाई भी करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं हार्ट के अंदर डॉलर साइन वाला, या अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली मेरी UPI ID पे कर सकते हैं, वो आपको कॉमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा। ठीक, तो आई होप मेरे जितने भी लेक्चर्स अभी तक के रहे हैं स्पेशलाइजेशन कोर्स के वो बेनिफिशियल रहे हैं आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है, मैंने पढ़ाया हुआ है सारा डिटेल में। इस टाइम पे हम क्विकली सिर्फ कुछ चीजें जो है वो रिवाइज करेंगे उनके कॉन्सेप्ट। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है, इन सब में से ऑप्शन देख लो। पहला ही ऑप्शन है कंडीशन वेयर ए पर्सन लैक्स अ मिनिमम लेवल ऑफ इनकम नीडेड टू मीट बेसिक लिविंग नीड्स, या कंपैरिजन ऑफ वेल्थ बिटवीन डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स, या परसेप्शन ऑफ बीइंग पुअर रिलेटिव टू अदर्स इन सोसाइटी, या टेम्पररी स्टेट ऑफ हैविंग नो जॉब। ठीक है, ये 3 ऑप्शन इसके नहीं होंगे। इसका आंसर होगा अ कंडीशन वेयर ए पर्सन लैक्स मिनिमम लेवल ऑफ इनकम नीडेड टू मीट बेसिक लिविंग नीड्स। ठीक है, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है, जिसको हम एब्सोल्यूट टर्म्स में डिटरमिन करते हैं। जैसे फूड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास फूड नहीं है, आपके पास हाउस नहीं है, आपके पास बेसिक चीजें नहीं है जो रिक्वायर्ड होती हैं बेयर मिनिमम आपको अपनी लाइफ जीने के लिए, वो चीजें नहीं है तो उनको हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलते हैं। अगर हम पॉवर्टी को देखेंगे कंपैरिजन में कि किसके कंपैरिजन में आपके पास क्या कमी है, उसको हम रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये हमने पढ़ लिया है वीडियो लेक्चर्स में। क्या ये सीजनल चेंजेस है इन डिमांड फॉर लेबर, साइक्लिक फ्लक्चुएशन है इन द इकोनॉमी, या मिसमैच बिटवीन स्किल्स ऑफ वर्कर्स एंड द डिमांड ऑफ जॉब मार्केट, और वॉलेंटरी डिसीजन टू लीव अ जॉब। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अगर आपकी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो डिक्लाइन होती हैं बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द मार्केट कंडीशंस। फॉर एग्जांपल, आपको जो स्किल्स चाहिए अपनी इंडस्ट्रीज के लिए, अब आपके एम्प्लॉयज के पास वो स्किल्स नहीं है, ठीक है, तो वो जो एम्प्लॉयज है उनको आपको फायर करना पड़ता है क्योंकि अब उनके पास वो स्किल्स प्रेजेंट नहीं है जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो दैट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये इफेक्ट करता है, इट इफेक्ट्स इधर योर सप्लाई साइड और डिमांड साइड। ठीक है, वो क्या है, वो सप्लाई एंड डिमांड साइड, वो हमने वीडियोज में एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने आपको। तो इस जो मेरी एक्सप्लेनेशन है उसके बेसिस पे हमारा आंसर क्या होगा, मिसमैच बिटवीन द स्किल्स ऑफ द वर्कर्स एंड द डिमांड्स ऑफ द जॉब मार्केट। सीजनल चेंजेस ये सारे भी नहीं, अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ इनका क्या मतलब है, पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि इनके भी आगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कंसेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन रिफर्स टू, पॉवर्टी लाइन क्या होता है, लाइन एट विच समवन बिकम्स रिच, नो, एवरेज इनकम ऑफ ए कंट्री, नो, मैक्सिमम लेवल ऑफ डेट, डेट मीन्स कर्जा, वन कैन इनकर, नो, आंसर वुड बी एक मिनिमम लेवल ऑफ इनकम है दैट इज डीम्ड एडुकेट इन अ पर्टिकुलर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, कितनी चाहिए आपको, आपको 100 रुपए, अगर 1000 रुपए चाहिए आपको अपना दिन स्पेंड करने के लिए अर्बन एरिया में, फॉर एग्जाम्पल से, ठीक है, ये करेक्ट आंसर नहीं है, इसका आंसर आपको आगे के क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे एक पॉवर्टी लाइन डिटर्मिन की जाती है जितना आपको एडुकेट होगा एक दिन स्पेंड करने के लिए एक कंट्री में, और कंट्री टू कंट्री वैरी करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स वेन पीपल टेक टाइम टू फाइंड अ जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड बाय द सीजनल नेचर ऑफ सर्टन इंडस्ट्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट दैट राइजेज ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउन टर्न्स एंड फॉल्स वेन द कंपनी इम्प्रूव्स, और लॉन्ग टर्म एंड क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नहीं
डी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, इसका आंसर है आंसर सी। ठीक है, अगर आप वापस यहाँ पे आओ तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी। जब इकोनॉमी में साइक्लिकल फ्लक्चुएशन होती हैं वो क्या है, बेसिकली इट इज नथिंग बट एक बारी आपकी जो इकोनॉमी है कभी पीक पे जाएगी, ठीक है, पीक करेगी, फिर आहिस्ता कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगी, डाउन होना शुरू करेगी, फिर एक ट्रफ जैसा बनाती है नीचे, ट्रफ जैसा, ठीक है। दैट मीन्स अब आपकी इकोनॉमी जो है वो डिप्रेशन की तरफ जा रही है, डिप्रेस्ड इकोनॉमी, फिर क्या होगा, फिर वापस ऊपर उठने की कोशिश करेगी, ठीक है, तो वापस से एक्सपेंशन हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, पीक, फिर कॉन्ट्रैक्शन, डिप्रेशन, एक्सपेंशन, देन अगेन ये प्रोसेस रिपीट होगा, इसको साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी कहते हैं। एंड जो इन चीजों की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होती है दैट इज योर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। वट इज द टर्म फॉर द गवर्नमेंट प्रोग्राम डिजाइन टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड प्रोवाइड अ सेफ्टी नेट फॉर द अनएम्प्लॉयड। तो क्या टर्म है जो गवर्नमेंट यूज करती है, दैट इज अ सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, सिंपल है। व्हाट व्हिच इंडिकेटर इज कॉमनली यूज टू मेजर इनकम इनइक्वालिटी इन ए कंट्री। तो वो क्या है इन सब में से, गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट के साथ मैंने आपको क्या बताया था, लॉरेंस कर्व, जो आपको बताता है कि 99% ऑफ द वेल्थ जो है कंट्री में वो किनके बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 1% ऑफ पॉपुलेशन के बीच में। अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कॉज बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स वाइल द वर्कर्स सर्च फॉर द बेस्ट जॉब मैच, लॉन्ग टर्म और अनएम्प्लॉयमेंट कॉज बाय सीजनल फ्लक्चुएशन। तो आंसर वुड बी बी, शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स वाइल वर्कर्स सर्च फॉर द बेस्ट जॉब मैच। वॉट इज द प्राइमरी गोल ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम, बेसिकली स्कीम है जो क्या करती है, एक रेगुलर मनी जो है वो प्रोवाइड करती है बेनिफिशरीज को, जो डायरेक्टली उनके अकाउंट में आता है। तो इसका आंसर है आंसर बी, टू प्रोवाइड एवरी सिटीजन विद अ रेगुलर अनकंडीशनल सम ऑफ मनी रिगार्डलेस ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज बींग विदाउट अ जॉब फॉर अ लॉन्ग पीरियड, नो, बींग एम्प्लॉयड इन अ जॉब दैट पेज वेरी हाई वेजेस, नो, बींग एम्प्लॉयड इन अ जॉब विद एक्सटेंसिव बेनिफिट्स, नो। आंसर वुड बी अ कंडीशन जिसमें जो वर्कर्स हैं दे आर एम्प्लॉयड इन लेस देन फुल टाइम फॉर देयर ट्रेनिंग और इकोनॉमिक नीड्स, ठीक है, दैट मीन्स उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको काफी लेस पे किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द पॉवर्टी थ्रेश होल्ड इन द एब्सोल्यूट मेजरमेंट्स ऑफ पॉवर्टी। तो हमने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी में, हमने पॉवर्टी थ्रेश होल्ड पढ़ा था, बेसिकली कुछ भी नहीं है आपके, वही पॉवर्टी लाइन वाला कॉन्सेप्ट, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अ बास्केट ऑफ एसेंशियल प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड फॉर द बेसिक नीड्स बिलो विच अ हाउस होल्ड इज क्लासिफाइड एज पुअर। मतलब एक थ्रेश होल्ड लेवल है जितना तक आपको अचीव करना है एक दिन अच्छे से स्पेंड करने के लिए अपनी कंट्री में। वट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिव मैंने आपको पहले भी कहा, इन रिलेशन टू, या रिलेटिवली हम जहां भी यूज करते हैं दैट इज ऑलवेज इन कंपेरिजन टू। अब क्या आंसर है, अ कंडीशन इन विच पीपल लैक एनी इनकम एट ऑल, नो, अ कंडीशन इन विच पीपल लैक द मिनिमम अमाउंट ऑफ इनकम नीडेड टू मेंटेन द एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन देयर सोसाइटी, ठीक है, ये हम देखते हैं। अ कंडीशन डिटरमिंड सोली बाय एब्सोल्यूट इनकम लेवल्स, नो, क्योंकि वो इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी हो जाएगी। अ कंडीशन इन विच पीपल हैव मोर इनकम देन द एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, नहीं, इसका उल्टा है। आंसर वुड बी बी, अ कंडीशन जिनमें दूसरों के कंपेरिजन में जो एक एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनकी सोसाइटी का, उसके कंपेरिजन में उन लोगों का कम होगा जो रिलेटिवली पुअर होंगे। हाउ इज रिलेटिव पॉवर्टी डिटरमिंड, कैसे डिटरमिन की जाती है ये, इसके काफी चीजें हैं, ठीक है, हम देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है। बाय कंपेयरिंग द पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, या बाय मेजरिंग द टोटल वेल्थ ऑफ ए कंट्री, बाय सेटिंग फिक्स पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड्स, बाय इवेल्युएटिंग द ओवरऑल हैप्पीनेस। ये तो चलो है ही नहीं, एक फिक्स पॉवर्टी लाइन सेट करना बेस्ड ऑन लोगों को क्या चाहिए, ये रिलेटिव पॉवर्टी नहीं होगी, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट आ गया। बाय कंपेयरिंग बाय मेजरिंग द टोटल वेल्थ ऑफ ए कंट्री, इससे भी हमें कुछ नहीं पता चलेगा, तो आंसर वुड बी ए, बाय कंपेयरिंग पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। लाइक आप इंडिया में हो, यहाँ पर पर्सन इनकम, पर कैपिटा मीन्स पर पर्सन इनकम कितना है, और यूएस में पर पर्सन कितना इनकम कितना है, ठीक है, इससे आपको पता चलेगा इंडिया रिलेटिवली यूएस के कितना पोअर है। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द इंडिविजुअल क्लासिफाइड अंडर रिलेटिव पॉवर्टी। अब कौन से इंडिविजुअल्स आप बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हो इन स्टेटमेंट से, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑल बेसिक नीड्स, नहीं, दे हैव इनकम लेस देन द एवरेज इनकम ऑफ द कम्युनिटी बट आर नॉट नेसेसरीली डिप्राइव्ड ऑफ ऑल बेसिक नीड्स। तो करेक्ट, तो दूसरों के कंपेरिजन में आपके पास कम है, इसका मतलब ये नहीं, जरूरी नहीं है कि आपके पास बेयर मिनिमम भी नहीं होगा, हो सकता है आपके पास वो बेयर मिनिमम हो लेकिन दूसरों के कंपेरिजन में आपके पास कम है।
एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज एस्टेब्लिश अ न्यू पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ, क्या पॉवर्टी लाइन ने सेट किया है? नोट्स पे 1.35 डॉलर है, चेंज हुआ है इट इज 1.51 डॉलर, ठीक है? तो ये करेक्ट करेक्ट कर लेना, अपडेट कर लेना. व्हाट इज अ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया एज पर मंथली इनकम थ्रेशोल्ड्स फॉर अर्बन एंड रूरल एरियाज? तो क्या पॉवर्टी लाइन है इन डी सारे ऑप्शंस में से? आई होप आपने करेक्ट मार्क किया होगा क्योंकि पीडीएफ में मेंशनड है. दैट इज 1286 रुपीज पर मंथ अर्बन एरियाज के लिए एंड 1059.42 रुपीज पर मंथ रूरल एरियाज के लिए. अगर पॉइंट के आगे का वहां नहीं भी मेंशन होगा, राउंड ऑफ करके मेंशन होगा, तो आंसर इज बी. 316 है, व्हाट इज द ग्लोबल पॉवर्टी लाइन सेट बाय द वर्ल्ड बैंक एज ऑफ 2022? तो वो क्या है? दैट इज 2.15 डॉलर पर डे. ये ग्लोबल पॉवर्टी लाइन है, ठीक है? जो एशियन डेवलपमेंट बैंक उसने सेट किया था, तो वो एशिया के आसपास वाले एरियाज थे. हु रोट पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ये लिखा है दादा भाई नेहरू जी ने. इन्होंने हमें इकोनॉमिक ड्रेन जो यहाँ पे हुआ ब्रिटिशर्स के टाइम पे, उसमें हमें वो बताया, ठीक है? एंड देन इन्होंने ये पॉवर्टी एस्टिमेशन जो है स्टार्ट भी इन्हीं से ही हुई थी. चाहे साइंटिफिक मेजर इन्होंने नहीं लाया हो, ठीक है, साइंटिफिकली वो नहीं किया हो, बट जो पॉवर्टी एस्टिमेशन कैसे होनी चाहिए उसका कॉन्सेप्ट जो है, इट अरोज फ्रॉम दादा भाई नेहरू जी. वट कम्स अंडर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पुअर पीपल? पुअर हेल्थ होती है उनमें, जेंडर इनइक्वालिटी होती है, डेट ट्रैप, या ऑल ऑफ द अबव? तो आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव. पुअर हेल्थ भी है, जेंडर इनइक्वालिटी भी है, डेट ट्रैप भी. ये दोनों आपको पता है. डेट ट्रैप क्या होता है? बेसिकली जब आप किसी से कर्जा लेते हो अपना कर्जा पूरा करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास 1000 रुपीज का कर्जा है, डेट है, उसको फ्रेंड को देना है, ठीक है? अब वो क्या करता है, वो दूसरे फ्रेंड के पास जाता है और कर्जा लेता है 1000 रुपीज. फ्रेंड ए को 1000 देना है, फ्रेंड बी के पास जाएगा, उससे 1000 रुपीज लेके फ्रेंड ए को देगा. अब वो डेट ट्रैप में फंस गया, अब उसको फ्रेंड बी को फिर से 1000 रुपीज देना है, ठीक है? तो ये होता है डेट ट्रैप. तो ये कंट्रीज बेसिकली यूज करते हैं, जैसे चाइना जो है वो डेट ट्रैप यूज करता है, वो अपने आसपास वाली कंट्रीज को फंसाने के लिए. उनको इतना कर्जा दे देता है कि वो उसमें हमेशा के लिए पड़ जाते हैं, फिर उनकी पॉलिसीज में इन्वॉल्व होता है. खैर, उतना आपको डिटेल में नहीं देखना, यहाँ पे डेट ट्रैप का आपका इतना ही काम है. विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू मेजर द पॉवर्टी डिटर्मिनेशन? तो कौन कौन से हैं? पॉवर्टी गैप इंडेक्स, येस, ये भी है, नाम से पता चल रहा होगा, जिससे हमें पॉवर्टी गैप का पता चलेगा. हेड काउंट रेशियो, हेड काउंट रेशियो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है. दिस इज योर नंबर ऑफ पीपल इन बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन, वो आपको बताता है हेड काउंट रेशियो, ठीक है? उससे भी आप पॉवर्टी एस्टिमेट करते हो. एंड सेन इंडेक्स, सेन इंडेक्स नोट्स में नहीं होगा कहीं पे भी. सेन इंडेक्स जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था अमर्त्या सेन ने, हेंस द नेम सेन इंडेक्स. तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, जो हेड काउंट रेशियो है प्लस पॉवर्टी गैप इंडेक्स, ये दोनों चीजें प्लस गिनी कोफिशियंट, ये तीनों चीजें यूज करते हैं पॉवर्टी डिटरमिन करने के लिए. तो आंसर वुड बी डी, ऑल ऑफ द अबव. अब अगर आपको सेन इंडेक्स में नहीं पढ़ा है लेकिन पॉवर्टी गैप इंडेक्स नाम से आपको पता चल रहा होगा, हाँ, ये इंडिसी आता है, इंडिसीज डिटरमिन करते हैं पॉवर्टी डिटर्मिनेशन, एंड हेड काउंट रेशियो हमने पढ़ा हुआ है. जब दो ऑप्शन सही है तो आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव. ये बाय लॉजिक आपने सही किया होना चाहिए. सीजनल वर्कर्स और स्मॉल फार्मर्स जनरली फॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी? तो जो सीजनल वर्कर्स या स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो किस कैटेगरी ऑफ पोअर में आते हैं, ठीक है? कैटेगरी ऑफ पोअर कौन सी होती है? तो ये भी नोट से मैंशन नहीं है, तो मैं एमसीक्यूज में कोशिश करती हूँ जो चीज़ हमने लेक्चर में अगर कुछ नहीं पढ़ा हो, ठीक है, वो आपके एमसीक्यू से एटलीस्ट थोड़ा बहुत उसको आपको उसका आइडिया मिल जाए. तो इसका आंसर होगा चर्निंग पोअर. चर्निंग पोअर कौन से होते हैं? वो लोग, दोज हु कम इन एंड गो आउट ऑफ पॉवर्टी, कम इन एंड गो आउट, मतलब मूव करते रहते हैं, या तो कभी अबो पॉवर्टी लाइन आएंगे, कभी बिलो पॉवर्टी लाइन आएंगे, ठीक है? नेवर पोअर होंगे जो ऑलवेज अबो पॉवर्टी लाइन रहेंगे. यूजुअल प्योर पोअर होते हैं जो नॉर्मली क्या करते हैं, जो नॉर्मली बीपीएल में ही होते हैं, पर कभी हो सकता है जंप भी करें. क्रॉनिक पोअर होंगे जो ऑलवेज बिलो पॉवर्टी लाइन रहेंगे. वट इज द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? इट इंक्लूड्स प्रेशर ऑन पॉपुलेशन, हाँ, लो कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होती है तो हमारे पास उतने फंड्स नहीं होते हैं नया बिजनेस वगैरह सेटअप करो, ये भी एक रीजन होता है पॉवर्टी का. लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी है. तो ऑल ऑफ द अबव मैंने आपको हमेशा बोला, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें दो तीन ऑप्शन होंगे, ठीक है ना, आपको लगेगा ऑप्शन जेनरिक से ऑप्शन है, जेनरिक से मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है, ऐसे जनरल जनरल सारी चीजें मैंशनड है, तो 90% केसेस में उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होता है, ठीक है? अगर आपको एग्जैक्टली आंसर नहीं पता है तो ये आप यू मतलब ये बात भी आप याद रख सकते हो, ध्यान रख सकते हो एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम. डज द इंडियन गवर्नमेंट फॉलो द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन ऑफ द इंडिया? ये कुछ फॉर्मेशन आर्टिकुलेशन इसकी गलत है, पर कहने का क्या मतलब था, इंडियन गवर्नमेंट फॉलोज द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग
फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन फॉर इंडिया, दिस इज लकड़वाला कमेटी, हमने पढ़ा हुआ है. एम जी नरेगा एम्प्लॉयड फॉर हाउ मेनी डेज, तो एम जी नरेगा के अंडर क्या होता है, एक स्कीम है जब जो सीजनल वर्कर्स होते हैं, जब उनके पास सीजन नहीं होता है एग्रीकल्चर का, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनको वहां पे एम्प्लॉयमेंट दी जाती है उन लोगों को 100 डेज की, उसके अंडर एम जी नरेगा, ठीक है, या एम नरेगा, एम जी नरेगा काफी इंपॉर्टेंट है. विच कमिटी एडवोकेटेड यूजिंग स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन, तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है, कौन सी कमिटी है, अगेन लक्कड़वाला कमिटी. वट की शिफ्ट डिड द वाई के अलग कमिटी मेक इन मेजरिंग पॉवर्टी, तो क्या इन्होंने शिफ्ट किया था मेजर करने के लिए पॉवर्टी में. पहले ट्रेडिशनल इनकम बेस्ड मेजरमेंट होती थी पॉवर्टी की, हमेशा इन्होंने कहा कैलोरी कंजम्पशन मेथड यूज करो, तो आंसर वुड बी बी. अकॉर्डिंग टू वाई के अलग कमिटी, वट कैलोरी इनटेक क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग पॉवर्टी इन पूर इन अर्बन एंड रूरल एरियाज, तो क्या क्राइटेरिया है, दिस इज बी, लेस देन 2100 कैलोरीज अर्बन एरिया में एंड 2400 कैलोरीज इन रूरल एरिया. रूरल एंड अर्बन इंडिया शुड हैव अ यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट वॉज सजेस्टेड बाई हूम, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो पॉवर्टी लाइन बास्केट है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, किसने कहा था, दैट मीन्स पॉवर्टी लाइन ऑफ बास्केट, अगर राइस है इसमें, ऑयल है, वेजिटेबल्स है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये रूरल एरिया के लिए भी सेम होना चाहिए एंड अर्बन एरिया के लिए भी सेम होना चाहिए, कि इन दोनों को सेम रखो पहले, उसके बाद आप डिटर्मिन करो कि पॉवर्टी एस्टिमेशन आप कैसे करोगे. ये किस कमेटी ने कहा था, इससे पहले क्या होता था, जिसे वाई की अलग कमेटी है, इन्होंने क्या कहा था कि पीएलबी जो है, दैट मीन जो एक इंपॉर्टेंट गुड्स हैं, वो रूरल एरिया के अलग निकालो एंड अर्बन के अलग करो, फिर अकॉर्डिंगली पॉवर्टी एस्टिमेट करो. लेकिन तेंदुलकर कमेटी ने कहा नहीं, आप क्या करो, पॉवर्टी लाइन बास्केट जो जो गुड्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो रूरल के भी सेम रखो, अर्बन के भी सेम रखो, उसके बाद पॉवर्टी डिटरमिन करो, तो आंसर वुड बी सी, तेंदुलकर कमेटी. व्हाट इज मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड मेथड रेफर टू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी मेजरमेंट, तो हमने मिक्स रेफरेंस मॉडल, मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस मॉडल पढ़ा हुआ है, तो इसका आंसर क्या है, आंसर वुड बी बी, यूजिंग डिफरेंट टाइम पीरियड्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजम्पशन डेटा टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेट्स. तो ये एमआरपी किसने फॉलो करने को कहा था, तेंदुलकर कमेटी ने, इन्होंने क्या कहा था, पहले क्या होता था, हम सारा देखते थे जो भी आइटम्स हैं, तो पिछले लास्ट ईयर में कितना उन आइटम्स पे खर्च हुआ है, इन्होंने कहा था 5 ऐसे आइटम्स हैं, जैसे क्लोथिंग हो गया आपका, एजुकेशन है, हेल्थ है, फुटवेयर एंड ड्यूरेबल्स, तो इनपे देखो लास्ट 365 डेज में कितना खर्च हुआ है, एंड जो बाकी आइटम्स रिमेनिंग आइटम्स बच जाते हैं उसमें देखो प्रीवियस 30 डेज में कितना खर्च हुआ है. तो पहले क्या होता था, यूनिफॉर्म में सिर्फ प्रीवियस 30 डेज का देखते थे, तो ये इन्होंने कहा था मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, किसने दिया था, तेंदुलकर कमेटी ने. अकॉर्डिंग टू रघुरंजन कमेटी, अ हाउस होल्ड इज कंसिडर्ड पुअर इफ इट इज अनेबल टू सेव, इंस्टेड ऑफ मिक्स रेफरेंस पीरियड रघुरंजन कमेटी सजेस्टेड, उन्होंने क्या कहा था, मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पीरियड. मॉडिफाइड में क्या होता है, जो 5 आइटम्स हमने लास्ट ईयर के किए थे उसमें उन्होंने प्लस और ऐड कर दिए थे, ठीक है, तो वो आइटम्स कौन से हैं, वो कंपाइल्ड पीडीएफ में मेंशनड है, तो उन्होंने कहा था इन आइटम्स के अलावा प्लस 7 डेज एक्सपेंडिचर देखो आप कुछ और एक्स्ट्रा आइटम्स का, जैसे आपका एडिबल ऑयल हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया, ठीक है, तो उसकी डिटेल मैंने लेक्चर्स में दी है, आप इतना भी याद रख सकते हो. मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पीरियड जो है किसने सजेस्ट किया था, रघुरंजन कमेटी ने. मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MDPI और शॉर्ट में MPI, इट इज रिलीज बाय OFDI एंड UNDP. तो OFDI का फुल फॉर्म क्या आपका, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव. वट आर द इंडिकेटर्स ऑफ MDPI, MDPI को किस किस लेवल पे हम क्या क्या उसमें एस्टिमेट किया जाता है, उसमें आपका आएगा एक तो हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. Which among the following are the remedies for poverty? क्या किस किस चीज से हम poverty को रोकने में help कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं? Saving बढ़ाओ, investment बढ़ाओ, balance growth होनी चाहिए and industrialization. तो answer would be all of the above. ये सारी चीजें क्या है, मैंने आपको videos में explain किया हुआ है. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना comes under which ministry? तो ये किस ministry के under आती है, ministry of rural development. The slogan गरीबी हटाओ, it was included in which 5-year plan? It was included in 5th 5-year plan. Which type of poverty is caused by specific events such as environmental disaster, job loss or severe health problems? किसी एक सिचुएशन की वजह से, इवेंट की वजह से पॉवर्टी आ गई, वो कौन सी होगी आपकी, सिचुएशन पॉवर्टी.
रिलेटिव पॉवर्टी आ गई, कंपैरिजन वाली बात आ गई यहाँ पे, जनरेशनल पॉवर्टी आ गई जो जनरेशन में हमें गरीबी मिली हुई होती है साथ में, एंड रूरल पॉवर्टी आ गई वो हम देखेंगे आगे। व्हाट कैरेक्टराइजेस रूरल पॉवर्टी, इस क्वेश्चन में देखते हैं। रूरल पॉवर्टी क्या होता है? पॉवर्टी इन रूरल एरियाज विद पॉपुलेशन जहाँ बिलो 50,000 हो एंड उनके पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, एक्सेस टू सर्विसेज नहीं है, वाटर फैसिलिटीज, हेल्थ केयर, ये सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज, उसको हम रूरल पॉवर्टी कहते हैं। वट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन इंडिया? ऑल ऑफ द अबव, ये सारी हमने डिस्कस की है। वट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया? खासकर एग्रीकल्चर में हम देखते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, मैंने आपको पहले भी कहा है, किसी एक फार्म पे अगर 100 लोगों की जरूरत है 100 पॉइंट्स प्रोडक्टिविटी के लिए, आप उसमें 500 लोगों को लगा रहे हो लेकिन प्रोडक्टिविटी 100 पॉइंट्स ही है, 1000 पॉइंट्स ही है, दैट मीन्स प्रोडक्टिविटी आपकी जीरो है लेकिन लोग उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो उनको लगता है कि उनकी एम्प्लॉयमेंट चल रही है पर बेसिकली वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट है। एंड इंडिया में ये प्रॉब्लम मोस्टली एग्रीकल्चर सेक्टर में है। हु आर काउंटेड इन द लेबर फोर्स ऑफ ए कंट्री? पॉपुलेशन 15 to 65, ठीक है, जो काम करने के केपेबल होते हैं। वट डज द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट रेफर टू? अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? अ स्टेट इन विच एन इंडिविजुअल एक्टिवली सीक्स अनएम्प्लॉयमेंट लेकिन अनसक्सेसफुल होता है। हाउ इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेटेड? अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हम रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाई डिवाइडिंग द नंबर ऑफ पीपल विदाउट जॉब्स बाय द टोटल पॉपुलेशन इंक्लूड इन अ नेशंस लेबर फोर्स। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं विदाउट जॉब्स डिवाइडेड बाय जितने सारे लोग किसमें आते हैं, लेबर फोर्स में आते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो आंसर वुड बी बी। व्हाट इज लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिकेट अबाउट अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ? अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, मैंने आपको एक्सप्लेन मैराथन सीरीज में भी है, ये वीडियो लेक्चर्स में भी है, दैट मीन्स ग्रोथ ज्यादा होगी, तो ये क्या बोलते हैं, आपकी इकोनॉमी इज इन द स्टेट ऑफ ओवरहीटिंग। वो ओवरहीटिंग वगैरह वो अब मैराथन लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किया है और वीडियो लेक्चर्स में भी, दोबारा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। वट आर द टू मेन साइंस ऑफ ओवर हीटिंग इकॉनमी? कौन से मेन दो साइंस है? इन्फ्लेशन ज्यादा होती है एंड जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट इज बिलो द नॉर्मल रेट फॉर एन इकॉनमी। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो काफी कम है, दैट मीन्स ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हाई है, जिससे आपकी जो इन्फ्लेशन है वो भी इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सॉरी, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट? तो इसमें इसका आंसर है आंसर डी। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल चूजेस टू लीव देयर जॉब, खुद ही वो अपनी जॉब नहीं करते हैं अपनी मर्जी से, एंड इनवॉलेंट्री होता है जब अपनी जॉब उनको नहीं मिलती है या ही लूजेस हिज जॉब ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो आंसर वुड बी डी। कीनीजियन अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो मीन्स, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है क्या होता है, इट ऑल्सो मीन्स साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट जो है इट इज अनदर नेम फॉर क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको बोलते हैं वेजेस आर टू हाई, इसीलिए उनको कोई हायर नहीं करता है क्योंकि वो ज्यादा डिमांड कर रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज बेस्ट इलस्ट्रेट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कुछ सिचुएशन दी हुई है, उसमें से कौन सी चीज है? अ फैक्ट्री वर्कर लूजेज देयर जॉब ड्यू टू देयर फैक्ट्री क्लोजिंग डाउन बिकॉज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी and they struggle to find new employment because the lack of skills needed for jobs in emerging industries like IT and computing, ठीक है? तो जो मैंने आपको explanations अभी तक दी है clear हो गया होगा, ये आपकी structural unemployment होता है। Seasonal worker loses their job at a ski resort at the end of the winter season is seasonal unemployment है। Voluntarily quit करेगा तो voluntary unemployment हो गई। An engineer leaves a current job to move to another city and takes a few months to find, this is your frictional unemployment. फ्रिक्शनल जो इस वजह से होती है जब आप दूसरी कोई जॉब ढूंढ रहे होते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोस बेस्ट अच्छा इलस्ट्रेट्स फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन है यहाँ पे। अ फैक्ट्री लूजेस, नहीं इसका आंसर होगा। अ सीजनल वर्कर्स, वो भी नहीं, बी का है, दिस इज बी, दिस इज सी, डी इंजीनियर वाला आंसर, ठीक है। इफ द अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूज टू बी अ लॉन्ग टर्म फीचर ऑफ अ कंट्री, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। वट आर द मेन कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? जॉब स्पेशलाइजेशन भी है, ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा स्किल्स चाहिए, इतनी स्पेशलाइजेशन है, इतने डिविजन है ऑक्यूपेशन में कि जॉब नहीं मिलती है। लॉस ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो बेसिक हैंडलूम इंडस्ट्रीज पहले इंडिया में काम करती थी, ठीक है, जो हर घर को फैक्ट्री बोला जाता था पहले टाइम पे, वो चीजें अब नहीं है। लेबर इमोबिलिटी की मूव नहीं कर सकते किसी को फैमिली रेस्ट्रिक्शन की वजह से, हेल्थ रेस्ट्रिक्शन की वजह से। तो आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव। साहित्य प्रोग्राम इज अ स्पेशल असिस्टेंस फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम फॉर यूथ इन डिस्ट्रेस। ये चीजें आपको मैराथन लेक्चर्स में, पीडीएफ में, मैराथन पीडीएफ में हर जगह मिल जाएंगी जो मैंने अपलोड की हुई हैं।
अकॉर्डिंग टू बेरोजगार से स्वरोजगार स्कीम 2024, हाउ मेनी पीपल इन एवरी पंचायत विल बी आइडेंटिफाइड एंड प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट? तो आंसर वुड बी एटलीस्ट 5 जो है, ठीक है, हर पंचायत में दे वुड बी प्रोवाइड सॉरी एम्प्लॉयमेंट. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल जो है, जिसने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को एक्सप्लेन किया था, इट वॉज गिवन बाय वॉरेन थॉम्सन ए. आगे देखते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अकर्स व्हेन, तो आंसर वुड बी सी, जब बर्थ रेट हाई होती है एंड लो डेथ रेट होती है. बर्थ रेट हाई मतलब बच्चे पैदा होते जा रहे हैं, डेथ रेट लो है मतलब डेथ्स कम हो रही हैं. दैट मींस पॉपुलेशन जो है एकदम से सडन पीक आ जाएगा पॉपुलेशन का. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो कौन सा पोटेंशियल इफेक्ट नहीं है? इंक्रीज इन डिमांड फॉर रिसोर्सेज, यस ये है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी, स्ट्रेन भी पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एनवायरमेंट जो है उसकी डिग्रेडेशन भी हो जाएगी. तो आंसर वुड बी नो, दिस डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, क्योंकि हमें नॉट अ पोटेंशियल इफेक्ट देखना है. विच सेक्टर इज मोस्टली इफेक्टेड बाय पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? दिस इज एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर से आपको क्या मिलता है? फूड. और सबसे बेसिक चीज क्या है जिंदा रहने के लिए? फूड. तो अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी, सबसे पहले किस पे असर पड़ेगा? फूड पे. वॉट सोशल कॉन्सिक्वेंसेज कैन अराइज फ्रॉम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो क्या हो सकता है? पॉवर्टी लेवल्स इंक्रीज. आंसर वुड बी सी. अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है ये किस स्टेज में होती है? तो इसमें आंसर होगा स्टेज 2. ठीक है, इसमें क्या होता है? बर्थ रेट हाई होती है एंड डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन हो रही होती है. डिक्लाइनिंग डेथ रेट एंड हाई बर्थ रेट. विच द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो क्या है उसका इफेक्ट? डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. आंसर वुड बी ए. वॉट इज अ मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, उससे मेजरली क्या प्रॉब्लम हो जाती है? इंक्रीज इन द अर्थ एवरेज टेम्परेचर सिंस द प्री इंडस्ट्रियल पीरियड. ठीक है, तो आंसर वुड बी बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो नेचुरल कॉज क्या नहीं होगा? द आंसर इज क्वाइट एविडेंट, इट इज सी, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन जो है मैन मेड एक्टिविटी है, ये इंसान खुद करता है, ना कि नेचुरली होती है. हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज कॉन्ट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज, तो कैसे वो क्लाइमेट चेंज को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं? बाई डिक्रीजिंग द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, नहीं. रिड्यूसिंग द यूज ऑफ व्हीकल्स, नहीं, क्योंकि व्हीकल्स यूसेज तो दिन ब दिन बढ़ ही जा रहा है. बाई प्रमोटिंग डिफॉरेस्टेशन, ये गलत बात है. तो आंसर वुड बी सी, क्योंकि वो रिलीज करते हैं ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड हेलोकार्बन्स इन टू द एटमोसफियर. अपनी एक्टिविटीज से फॉसिल फ्यूल ज्यादा यूज करना, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करना, उससे वो जो ये है ग्रीन हाउस गैस रिलीज हो जाते हैं. ग्रीन हाउस गैस इज प्राइमरीली एमिटेड थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज फर्टिलाइजर यूज. ठीक है, तो कौन सा होता है? बी, नाइट्रस ऑक्साइड. Which is the most abundant greenhouse gas? The answer is C, water vapor. Ramsar Convention is related to wetlands, जो आपके marshy swampy area होता है, marshy swamps. When was UNFCCC adopted? That is United Nations Framework Convention on Climate Change. इसको कब adopt किया था? 1992. Which treaty serves as the foundational basis for the international climate negotiation agreement such as Kyoto Protocol and the Paris Agreement? तो कौन सी treaty उसकी basis बनती है? That is your United Nations Framework Convention on Climate Change. तो काफी important है, आपको पता होना चाहिए. Kyoto Protocol किसके regarding है? To reduce the greenhouse gas emissions. Which of the following greenhouse gases is not included in the 7 direct greenhouse gas under Kyoto Protocol? तो Kyoto Protocol में किन greenhouse gas को आपको reduce करना है? उसमें 7 gases आते हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं. तो इसमें से हमें बताना है कौन सा उसमें नहीं आता है. तो the answer is carbon monoxide. Where was the 28th COP जो है to the UNFCCC held? It was held at Dubai, UN, UAE. What is the main purpose of loss and damage fund agreed upon at COP 28? तो उसका main purpose क्या है? To compensate the countries grappling with the climate change impact. ठीक है, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज की वजह से कंट्रीज पे जो जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसको फाइनेंशियली वो कंपनसेट करेगा, ताकि वो कंट्रीज जो है खुद को उससे उभार सके. What is the primary purpose of human trafficking according to the provide? अच्छा, यहाँ पे एक पैराग्राफ था, वो शायद कॉपी करना भूल गया है. तो आंसर वुड बी एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि इट्स क्वाइट सिंपल एंड एविडेंट के ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है उसका प्राइमरी पर्पज होता ही एक्सप्लॉयटेशन है. अकॉर्डिंग टू द यू एन जी पी ए टू कम्बैट
ट्रैफिकिंग इन पर्सन, वट आर द मेन फोर ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर पीस जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो इफेक्टिव रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ फोर प्रिंसिपल हमें दिया गया था, वो क्या है? दैट इज योर प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, प्रोसिक्यूशन एंड पार्टनरशिप। बी, विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल इन इंडिया प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स? इट इज आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 किसके रिगार्डिंग है कॉमेंट्स में बताओ। बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर? तो कब इसको इनेक्ट किया गया था? 1959। वट आर द विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बॉम्बे प्रिवेंशन एक्ट आर करेक्ट? कि इसने डिफाइन किया था बेगर को, ये गिव इट गिव्स पुलिस द पावर टू अरेस्ट इंडिविजुअल विदाउट अ वॉरेंट, और ये भी बोलता है कि ऑल्सो सेंड्स द पर्सन टू प्रिजन फॉर अ मिनिमम ऑफ 1 ईयर एंड मैक्सिमम ऑफ 3 हु सॉलिसिट्स और एक्सप्लॉइट्स द चिल्ड्रन टू बेग फॉर आर्म्स। तो आंसर वुड बी डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, मेरी पीडीएफ में भी मेंशनड है। अमंग द लिस्टेड कैटेगरीज विच ग्रुप ऑफ बेगर्स जो है टिपिकली इंक्लूड इंडिविजुअल्स हु अर्न देयर लिविंग बाय एंटरटेनिंग पीपल थ्रू एक्टिविटीज लाइक सिंगिंग, डांसिंग एक्सेट्रा? तो ये कौन से होते हैं आपके? प्रोफेशनल एंड हेरिडिटरी बेगर्स। विच कैटेगरी ऑफ बेगर्स प्राइमरीली इंक्लूड इंडिविजुअल्स हु रिजॉर्ट टू बेगिंग टेम्पररीली अंटिल दे फाइंड कैजुअल एम्प्लॉयमेंट और पार्ट टाइम वर्क अगेन? ठीक है, तो कौन से हो गए ये? कैजुअल बर्गर्स बेगर सॉरी रिलीजियस मेंडिकेंट्स, हमें पता है जो रिलीजन के नाम पे वो आते हैं, रिलीजियस मंक्स वगैरह, ठीक है। जुवेनाइल बेगर्स जो जुवेनाइल एज ग्रुप के होते हैं, एंड प्रोफेशनल बेगर्स इज प्रोफेशनल हेरिडिटरी बेगर्स जो अभी हमने देखा। Which type of beggars are prevalent among certain castes or tribal groups and consider begging as a traditional or customary activity? तो as a part of their social custom जो begging perform करते हैं, as a part of their tradition, इनको हम क्या बोलते हैं? Professional or hereditary beggars. Which act criminalize both bribe taking by public servants as well as bribe giving? तो किस act में बात हुई थी कि bribe taking भी offence है एंड ब्राइब गिविंग वो भी ऑफेंस है, ठीक है। तो दैट इज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2018। वॉट इज द ओवरऑल रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? इट इज बी 93। इमेजिन अ सिनेरियो वेयर अ कंस्ट्रक्शन कंपनी वांट्स टू सिक्योर अ लुक्रेटिव गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ न्यू हाईवे। जो कंपनी का सीईओ है मीट्स विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड ऑफर्स देम अ सिग्निफिकेंट सम ऑफ मनी इन एक्सचेंज फॉर अवार्ड अवॉर्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट टू देयर कंपनी। तो किस टाइप की करप्शन होगी? दैट मीन दोनों का फायदा है और दोनों इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, इट इज ट्रांजैक्टिव करप्शन। एक्सटॉर्टिव कौन सी होती है? अगर दूसरे से आप मनी जो है वो एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करो, कोई पब्लिक ऑफिशियल के पास जाए कि नहीं कागजों के लिए एंड वो उसे मनी डिमांड करे एंड वो कागज उसको ना दे, डॉक्यूमेंट्स उसको ना दे, दैट इज एक्सटॉर्टिव। इन्वेस्टिव होता है जब आप किसी को ऐसा ऐसा कोई गिफ्ट देना शुरू करो, आपको पता है फ्यूचर में मेरे काम आएगा। नेपोटिस्टिक होता है, अगेन वही फेवरेटिज्म का एक पार्ट, कि आपने किसी रिलेटिव वगैरह बच्चे को आपने कोई एक पोस्ट पे अपॉइंट किया जिसका वो हकदार नहीं था। तो ये सारी चीजें मैंने वीडियोज में एक्सप्लेन की है। इसका आंसर यहाँ पे ट्रांजेक्शन है जिसमें दोनों पार्टीज का फायदा होता है। एक सिचुएशन वेयर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी प्रोवाइड्स फ्री मेडिकल इक्विपमेंट टू अ गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल विद एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स। फ्यूचर बेनिफिट्स एंड दैट इज इन्वेस्टिव। ऑटोजेनिक होता है जो इंडिविजुअल खुद अपने लेवल पे करता है, फॉर एग्जाम्पल टैक्स की चोरी वगैरह। विच इंस्टीट्यूशन ओवरसीज द विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडवाइजेज द एग्जीक्यूटिव इन मैटर्स रिलेटेड टू द करप्शन इन इंडिया? दिस इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। हु डेवलप्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? इट इज योर UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। World Happiness Day Index is released by, it is released by UNSDSN, that is United Nations Sustainable Development Solution Network. ठीक, आगे देखते हैं। Global Hunger Index, it is released by Concern Wildlife and Wildlife Hunger Heil. This is German company. Which of the following is not an indicator of GHI? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इसमें से कौन सी चीज नहीं आती है? पॉवर्टी पर कैपिटा, अंडर नरिशमेंट भी है, स्टंटिंग भी है, मोर्टेलिटी भी है। तो आंसर वुड बी बी। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स? इट इज 186। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विच द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स मालथस लॉ ऑफ पॉपुलेशन? देखो मालथस लॉ ऑफ पॉपुलेशन नोट्स में नहीं है, वीडियोज में भी नहीं है, यहाँ मैंने इंक्लूड किया है। इसका क्या मतलब होता है? जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल है, दैट मीन्स पॉपुलेशन जो है वो डबली ग्रो कर रही है, लेकिन आपका जो फूड प्रोडक्शन है और रिसोर्सेज है वो लीनियरली ग्रो कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर आपकी पॉपुलेशन 2 है, यहाँ पे फूड प्रोडक्शन 1 है, फूड प्रोडक्शन आपकी 2 पहुंचेगी तो आपकी जो पॉपुलेशन है वो 2:2 पहुंचेगी, ठीक है। दैट मीन्स आपके पास फूड हमेशा पॉपुलेशन के लिए कम रहेगा। तो आंसर वुड बी बी।
पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल व्हाइल द फूड प्रोडक्शन ग्रोज लीनियरली लीडिंग टू पीरियोडिक शॉर्टेज एंड फमींस. करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इट इज रिलीज बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर बेगिंग एज ए सोशल कस्टम. बेगिंग को सोशल कस्टम कौन मानते हैं? नट्स. और भी इसमें ट्राइब्स हैं जैसे आपके साइंस वगैरह, ठीक है, कंजार्स, आपके नोमैड ग्रुप्स, वो मैंने पीडीएफ में मेंशन किया हुआ है. व्हाट इज द ओवरऑल रैंक ऑफ इंडिया इन, अच्छा ये शायद रिपीट हुआ क्वेश्चन, 93. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ करप्शन एज पर सईद हुसैन अलतास, जो एक करप्शन सोशोलॉजिस्ट हैं. तो ट्रांजेक्टिव इन्होंने कहा है, डिफेंसिव इन्होंने कहा है, नेपोटिस्टिक इन्होंने कहा, इंसेंटिव नहीं कहा है, ठीक है. वो इन्वेस्टिव है, इंसेंटिव नहीं है. डिफेंसिव होता है जो, जैसे मैंने एक्सटॉर्शन कहा था, एक्सटॉर्शन के ऑपोजिशन में आप अगर खुद को डिफेंड करने के लिए कोई कुछ करता है, दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ डिफेंसिव करप्शन. वॉट इज अ वन मेजर कॉज कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन अर्बन एरियाज? क्या हो जाएगी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा? ओवर क्राउडिंग एंड स्ट्रेन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्वियस है ये. विच फैक्टर इज नॉट कॉमनली एसोसिएटेड विद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? तो कौन सा नहीं है? इंक्रीज हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर्स में, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी हो जाएगा, रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन. तो आंसर वुड बी सी, रिडक्शन नहीं हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएंगे, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग भी नहीं, ठीक है. तो आंसर वुड बी सी. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैन लीड टू पेंडेमिक्स एंड एपिडेमिक्स प्राइमरली बिकॉज इनसे बीमारियां वगैरह फैल जाती हैं, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है एंड रैपिड स्प्रेड ऑफ डिजीजेस. अब इतनी ही 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, उसमें जहां पहले 10 लोग रहते थे, वहां पे 50 लोग रह रहे हैं, तो बीमारियां काफी जल्दी फैलने का स्कोप होता है. विच स्टेट इन इंडिया हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेगर्स एज पर सेंसस 2011? दिस इज योर वेस्ट बंगाल. जो स्माइल स्कीम है इंक्लूड्स द मेजर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? Establishing AHTUs, no. Conducting a census of missing children, no. अच्छा ये किसने सजेस्ट किया था, उनका नाम कॉमेंट्स में मेंशन करो. Protecting children from sexual offences, no. तो आंसर इसमें है providing financial assistance for beggars rehabilitation, ठीक है. तो यहाँ आपके 400 MCQs कंप्लीट होते हैं आपके यूनिट 4 के साथ. अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैराथन आपका कंप्लीट करूंगी यूनिट 5 का, फिर हम यूनिट 5 के MCQs करेंगे एंड देन वील मूव ऑन टू द स्कीम्स पोर्शन, ठीक है. तो टिल द टाइम आई अपलोड नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे. और जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लाती हूँ, तब तक आप यूनिट 5 खुद से भी एक बार रिवाइज करें. अगर आपने खुद से भी रिवाइज किया होगा, फिर मैराथन आपका समझना ईजी हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग भी इंप्रूव हो जाएगी. तो मुझे कॉमेंट से बताएं आपका क्या स्कोर रहा इसमें, और जो गलत हुए वो क्यों गलत हुए, रिविजन की कमी थी या कोई कॉन्सेप्ट समझने में अभी भी आपको दिक्कत आ रही है. So till the time upload next video, bye, take care, have a great day.